हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रोशिया के ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है ये, टू कलर के कितने ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का फ्रंट साइड और बैक साइड सेम रहता है, तो आज हम ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ चेन बना लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ चेन बना ली है, और जो हमारी टू कलर की डिज़ाइन है तो हम जो सेकंड कलर है वो हम इस जगह ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे जो सेकंड कलर, नोट बांध लेंगे इस तरीके से। और इस जो सेकंड कलर है और है उससे हम थ्री चेन बनाएंगे। थ्री चेन बनाई हमने, और जो हमारा फर्स्ट कलर है, जो फर्स्ट कलर के चेन है उसमें हम जो फर्स्ट चेन है उसकी उसी में हम टू डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए क्रोशिया धागा को लपेटेंगे और टू डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो ये टोटल मिला के हमारी थ्री डबल क्रोचेट बन गई, यानी थ्री जो चेन, फर्स्ट चेन जो थ्री चेन बनाई थी और ये टू डबल क्रोचेट। तो अब इसके बाद हम थ्री चेन बनाएंगे, वन टू और थ्री, और फिर फाइव चेन छोड़ के सिक्स चेन में हमें वन टू थ्री फोर फाइव चेन छोड़ के सिक्स चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पे हम फाइव डबल क्रोचेट करेंगे, वन टू थ्री फोर, लास्ट फाइव। फिर इसके बाद हम थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, फिर वही फाइव चेन छोड़ के वन टू थ्री फोर फाइव चेन छोड़ के सिक्स चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे। और फिर दोबारा अगेन फाइव डबल क्रोचेट बनाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे, फाइव चेन छोड़ के सिक्स चेन में फाइव डबल क्रोचेट करेंगे, फिर थ्री चेन बनाएंगे, फिर फाइव चेन छोड़ के सिक्स चेन में फाइव डबल क्रोचेट बनाएंगे, और फिर थ्री चेन बनाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये फाइव डबल क्रोचेट हो गई। अब इसके बाद थ्री चेन बनाएंगे, टू और थ्री, और फिर फाइव चेन छोड़ के सिक्स चेन में फाइव डबल क्रोचेट करेंगे, और फिर इसके बाद थ्री चेन बनाएंगे, फिर फाइव चेन छोड़ के फिर डबल क्रोचेट करेंगे। इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। हमने जैसे स्टार्ट में थ्री डबल क्रोचेट की थी, यानी जो थ्री चेन और टू डबल क्रोचेट, वैसे ही हमने लास्ट में भी थ्री डबल क्रोचेट कर ली है। अब हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे, और जो सेकंड जो फर्स्ट कलर था हमारा जो लाइट ग्रीन है उससे स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा ये थ्री चेन है उसकी जो लास्ट चेन थी उसमें हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे हम सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद टू चेन बनाएंगे, वन टू, और धागे में क्रोशिया को लपेटेंगे इस तरीके से। और ये जो चेन है हमारी, जिसमें हमने ये फाइव चेन थी जो हमारी, उसमें हम थर्ड चेन में वन टू थ्री चेन में थर्ड चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, यानी मिडिल में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और लॉन्ग डबल क्रोचेट करेंगे।
इस तरीके से, ये देखिए ये लपेटा है धागे को और मिडल में थर्ड चेन में क्रोशिया को इंसर्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पे हम लॉन्ग डबल क्रोचेट करेंगे। फर्स्ट बार में फर्स्ट लूप और फिर टू लूप और लास्ट, इस तरीके से लॉन्ग डबल क्रोचेट होती है। तो और फिर इसके बाद वन चेन बनाएंगे और फिर उसी चेन में हम सेकंड लॉन्ग डबल क्रोचेट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट वन में फर्स्ट लूप, टू लूप और ये लास्ट टू, इस तरीके से बनेगी डिजाइन। फिर उसके बाद टू चेन बनानी है, वन टू, और फिर ये जो फाइव डबल क्रोचेट बनाई थी हमने उसमें जो थर्ड डबल क्रोचेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे, उसे को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोचेट करेंगे, फिर टू चेन बनाएंगे और फिर जो मिडिल में चेन है इसकी उसमें हम क्रोशिया को इंसर्ट करके लॉन्ग डबल क्रोचेट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया इस तरीके से। फर्स्ट बार में फर्स्ट लूप, फिर टू लूप और लास्ट लूप, फिर वन चेन, फिर उसी चेन में लॉन्ग डबल क्रोचेट करनी है इस तरीके से। फर्स्ट बार में फर्स्ट लूप, टू लूप और लास्ट लूप, फिर टू चेन बनाएंगे और फिर ये मिडिल में थर्ड चेन में थर्ड डबल क्रोचेट में सिंगल क्रोचेट करेंगे और इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम जो ये हमारे सेकंड कलर है ऑरेंज उसमें हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, ये जो लूप लास्ट में छोड़ा था हमने उससे उससे हम थ्री चेन बनाएंगे, वन टू और थ्री चेन बनाएंगे और उसके बाद हम सिलसिले धागा को क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और ये जो जहाँ पे हमें टू लॉन्ग डबल क्रोचेट की थी वहाँ पे इसके मिडल में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोचेट करनी है फाइव इस तरीके से, थ्री फोर और ये फाइव, फिर थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री और फिर ये जो दूसरा है जो लॉन्ग डबल क्रोचेट है टू उनके मिडिल में हम फिर दोबारा से फाइव डबल क्रोचेट करेंगे टू थ्री फोर और ये लास्ट फाइव, फिर इसके बाद थ्री चेन बनाएंगे और लास्ट और थ्री चेन बनाई, फिर इसके बाद जो आगे ये लॉन्ग डबल क्रोचेट है टू उसके मिडिल में फिर हम दोबारा से फाइव डबल क्रोचेट करेंगे जैसे हमने अभी बनाया था। तो इसी तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है और लास्ट में हम यहाँ पे जो हमने फाइव डबल क्रोचेट किए हैं उसके जो लास्ट में इस जगह पे हम यहाँ पे डबल क्रोचेट कर लेंगे इस तरीके से। ये बनेगा और इसे छोड़ देंगे
फिर जो हमारा फर्स्ट कलर था जो लाइट ग्रीन, उसे हम उसे बनाएंगे। तो उसे हम सबसे पहले उसे को इंसर्ट करेंगे और फोर चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। और अब हम क्रोशिया को इस तरह से लपेटेंगे धागे में, और ये जो इस जगह है तो उसमें हम इसके नीचे से इस तरीके से क्रोशिया को इंसर्ट करके यहाँ पे लॉन्ग डबल क्रोचेट करेंगे। फर्स्ट लूप, 2 लूप और लास्ट 2 लूप इस तरीके से। फिर इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये जो 5 डबल क्रोचेट हैं उसके मिडल में 3rd डबल क्रोचेट में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 और क्रोशिया धागे को लपेटेंगे, और अब की बार हम क्रोशिया को इस जगह इंसर्ट करेंगे, ये इस जगह पे इस तरीके से, और धागे को इस तरीके से लपेटेंगे। यहाँ पे हम लॉन्ग डबल क्रोचेट करेंगे, वन चेन बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम क्रोशिया को, पहले हमने यहाँ पे लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाई थी, अब हम इस जगह क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 5 डबल क्रोचेट हैं उनके मिडल में हम, यानी 3rd डबल क्रोचेट में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, और फिर वही क्रोशिया धागे को लपेटेंगे, और इस जगह पे हम क्रोशिया को इंसर्ट करके लॉन्ग डबल क्रोचेट बनाएंगे फिर 1 चेन, फिर लपेटेंगे धागे को क्रोशिया में, और इस जगह पे हम लॉन्ग डबल क्रोचेट करेंगे। फिर उसके बाद 2 चेन और 3rd डबल क्रोचेट में सिंगल क्रोचेट। इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम ऑरेंज कलर से बनाएंगे, तो इससे हम 2 चेन बनाएंगे सबसे पहले, 1, 2 और इसके बाद बैक साइड से इस तरीके से, ये जो लास्ट में है ये लॉन्ग डबल क्रोचेट जो बनाई थी लास्ट में, उसके लास्ट चेन में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, और ये ऑरेंज कलर के लूप से यहाँ पे हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे लेंगे, और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और फिर इसी जगह पे हम 2 डबल क्रोचेट और बनाएंगे। यानी इस जगह हमें 3 डबल क्रोचेट बनानी है, फर्स्ट वाली 3 चेन और ये 2 डबल क्रोचेट। फिर इसके बाद 3 चेन और उसके बाद फिर ये जो लॉन्ग डबल क्रोचेट 2 हैं उनके मिडल में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम 5 डबल क्रोचेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद 3 चेन और फिर 2 लॉन्ग डबल क्रोचेट के मिडल में हम इंसर्ट करके 5 डबल क्रोचेट करेंगे।
फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर इस जगह 5 डबल क्रोशेट करेंगे, फिर 3 चेन और फिर इस जगह लास्ट में 3 डबल क्रोशेट करेंगे। इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम ये लाइट ग्रीन से बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4, और इस तरीके से धागे को रिपीटेंगे क्रोशिया में। और जैसे हमने पहले भी इस जगह पे लॉन्ग डबल क्रोशेट की थी, जैसे हमने यहाँ पे किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लॉन्ग डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरीके से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लॉन्ग डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरीके से फिर 1 चेन और उसके बाद इस जगह पे हम लॉन्ग डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरीके से कुछ दिखेगा ये। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1, 2 और उसके बाद थर्ड डबल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर 2 चेन, 1, 2 और उसके बाद फिर इस जगह पे हम लॉन्ग डबल क्रोशेट करेंगे। फर्स्ट बार में फर्स्ट लूप, 2 लूप और लास्ट 2 लूप, फिर 1 चेन और फिर इस जगह पे हम लॉन्ग डबल क्रोशेट करेंगे। पहले यहाँ पे की थी, अब यहाँ पे फिर 2 चेन और फिर थर्ड डबल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट, फिर इसके बाद 2 चेन और फिर यहाँ पे लॉन्ग डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन और फिर इस जगह लॉन्ग डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन और फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आप इस डिज़ाइन को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज हमने ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनानी सीखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।